सीधी के चुरहट में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक नाबालिग और उसका भाई हाई टेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने दोनों भाइयों को लालच देकर नीचे उतारा। सिमरिया के ग्राम पोड़ी में पारिवारिक विवाद के चलते 15 वर्ष का बालक हाई टेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया। बालक को उतारने के लिए उसका भाई गौरव भी टॉवर पर चढ़ गया, परंतु उस समय सब हैरान रह गए जब गौरव ने भी टॉवर से उतरने से इनकार कर दिया। इसकी सूचना पाकर एसडीओपी नीरज नामदेव व सिमरिया चौकी प्रभारी भूपेश बघेल ग्राम पोड़ी पहुंचे। घंटों की मशक्कत के बाद दोनों युवक नहीं उतरे तो प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे। शाम होते ही देख नीरज नामदेव ने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए अपनी गाड़ी से उद्घोषण कराई कि आप लोग उतर जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, साथ ही आपको क्रिकेट की किट भी दिलवाई जाएगी। इसके बाद गौरव नाम का बालक टॉवर से नीचे उतरा, जिसका सभी ने ताली बजाकर स्वागत किया। इसके बाद टॉवर के टॉप पर बैठे अमित को नगद पुरस्कार राशि देने का लालच दिया गया, तब जाकर वो भी नीचे उतर आया। इसके बाद इनको तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक परीक्षण किया और बालक को स्वस्थ बताया। सिमरिया चौकी अंतर्गत ग्राम पौड़ी है, यहाँ पे दो युवक 15-16 साल के अमित और गौरव ये टावर पे चढ़े हुए थे। इनका कोई पारिवारिक विवाद था, पारिवारिक विवाद से रोष होने के कारण ये अमित और गौरव नाम के युवक टावर पे चढ़ गए थे, जिनको सफलतापूर्वक उतार लिया गया है। अभी हम इनको जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया लेके आए हैं, जहाँ पे एक युवक का प्राथमिक चिकित्सा की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।